रावण एक महाबली योद्धा था और एक महाज्ञानी पंडित भी। आज भी रावण जैसे राक्षस के उदाहरण ढूंढने से भी नहीं मिलते, पर रावण को अपने भाइयों का जितना संयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। और हम ये भी कह सकते हैं कि रावण के पतन में एक भूमिका उसके भाइयों ने भी निभाई है। जहाँ उनका भाई विभीषण सीधा श्री राम से जा मिला, वही कुंभकर्ण आखिरी समय के अलावा पूरे समय सोया रहा। पर रावण का एक भाई ऐसा भी था जिसके कारण हुई थी रावण के बेटे की मौत। आखिर क्या था ये पूरा मामला, जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। कहा जाता है कि रावण से पहले लंका पर कुबेर का शासन था। कुबेर दरअसल रावण का सौतेला भाई था, पर रावण की माँ कैकसी चाहती थी कि लंका पर रावण का अधिकार हो। यही कारण है कि उसने अपने बच्चों से कहा कि वो ब्रह्मा जी की साधना कर उनसे वर अर्जित करे। ब्रह्मा जी से रावण ने असीम शक्तियाँ हासिल की और फिर कुबेर की लंका पर आक्रमण कर दिया। रावण और लंकापति कुबेर के बीच भीषण लड़ाई हुई और रावण ने कुबेर को बुरी तरह पराजित कर दिया। रावण कुबेर का वध करने ही वाला था कि विश्रवा वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने भाई भाई को लड़ने मरने से रोका और उनके समझाने पर कुबेर रावण को लंका सौंप कर चला गया। रावण ने सोने की लंका नगरी के साथ कुबेर के पुष्पक विमान पर भी अधिकार कर लिया। दशमुख उनके भाई और उनके राक्षस आनंदित हुए और इस तरह रावण ने लंका पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुबेर लंका से तो चला गया, पर वो अपने अपमान को कभी नहीं भूले। इसके कुछ समय बाद ही हनुमान भगवान ने अंजनी के घर जन्म लिया, जो पवन देव के अंश भी थे। महादेव का अवतार भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी बचपन में सूर्य को फल समझकर उसे निगल गए, तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन्हें घायल कर दिया। तब हनुमान जी के पिता पवन देव ने संसार की सारी वायु खींच ली थी। तब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं ने उन्हें अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। इसी कड़ी में कुबेर महाराज ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वो कभी युद्ध में पराजित नहीं होंगे। ये वर देते हुए कुबेर जी ने हनुमान भगवान को उनकी दिव्य गदा भेंट की थी। बड़े होने पर जब हनुमान भगवान सीता माता की तलाश में अशोक वाटिका गए, तो वहाँ उन्होंने वाटिका में भयंकर उत्पात मचाया। जब रावण की पूरी सेना भी हनुमान जी को रोकने में कामयाब नहीं हुई, तो रावण का बेटा अक्षय कुमार हनुमान जी से लड़ने गए। अक्षय कुमार रावण और मंदोदरी का सबसे छोटा बेटा था। रावण के सभी बेटों में से केवल अक्षय कुमार ही ऐसे योद्धा थे जो कि रामायण के युद्ध से पहले ही अशोक वाटिका में हनुमान भगवान के विध्वंस के दौरान मारे गए थे। अक्षय कुमार ने अशोक वाटिका में जाकर हनुमान जी को ललकारा और उन पर तीरों की वर्षा कर दी, पर हनुमान जी पर उनके तीरों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें कुबेर से वरदान हासिल था कि उन्हें कोई युद्ध में हरा ही नहीं पाएगा। जब अक्षय कुमार ने लगातार तीर चलाए, तो हनुमान जी ने अपनी गदा और अपने घूसों से अक्षय कुमार पर इतने वार किए कि वो धरती पर गिर गया और उसने वही दम तोड़ दिया। इस तरह भले ही अक्षय कुमार की मृत्यु हनुमान जी के हाथों हुई थी, पर उसे संभव बनाया था कुबेर के वरदान ने। और इस तरह कुबेर ने रावण से उन्हें लंका से खदेड़ने के अपमान का भी बदला चुका दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।